हमने हर तरह के कैमरास ट्राई कर रखे हैं, बड़े वाले, छोटे वाले, कहीं पे भी चिपकाने वाले, पुराने वाले, पेन वाले, फोन वाले। आप लोगों को पता है हमको कैमरा से वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार है। हमारे पास ये वाले चश्मे भी हैं जिनमें कैमरास हैं, स्नैपचैट ने बनाए थे, और जिस जिस प्रकार के कैमरा है उससे उसी उसी प्रकार के शॉट भी ले लिए जाते हैं। और ये कैमरास जैसे जैसे छोटे होते आते हैं वैसे वैसे इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा कम होती जाती है, इसीलिए मोबाइल वाले कैमरा और DSLR में इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। बट ये वाला अभी तक का सबसे छोटा कैमरा है जो एक्चुअली हम यूज कर पाएंगे होपफुली। उंगली पर नचाया जा रहा है Insta360 Go 2 सेकंड वाला वर्जन है, उसको दिखा रखा है, कहीं छाती पे लगा लिया, कहीं बॉल पे लगा लिया, कहीं नहाने निकल गए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फ्रेंड। ये है दोस्तों, सॉरी, इसको एक सेकंड रखते हैं साइड में और भी चेक कर लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। ताबीज मिल गया है दोस्तों। एक सेकंड के लिए मुझे लगा यहाँ पे भी सिम इजेक्टर टूल हो, बट नहीं, इसके अंदर खाली पुस के स्टिकर खरीद लिया गया दोस्तों। मजाक कर रहे थे, मजाक, कुछ पुस्तकें देर की, बट वेरी इंटेलिजेंट ब्रदर योर्स। हम एक्सपीरियंस में ज्यादा विश्वास रखते हैं, पुस्तकें तो चलती रहती हैं। ये भी अटैचमेंट है, ये मेरे ख्याल से मल्टीपल अटैचमेंट्स हैं। ये वाला ट्राइपॉड है जिसको ऐसे पकड़ के ऐसे रिकॉर्डिंग हो सकती है, और ये वाला एक्चुअल केस है। ओह, ये सही लग रहा है यार, इसको गले में डालना। अच्छा, इसमें चिपक जाता है वो। अब आ गया दोस्तों असली टाइम अपने ताबीज की शक्तियों का इस्तेमाल करने। इस जादू को करने से पहले कुछ जादुई चीजें हम और कर लें। इसका एक स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर पे लिखा है कि आपके पास अगर हॉगवर्ट्स की डिग्री है तभी आप खोल सकते हैं। अच्छा लग रहा भाई, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर रही, आप लोग सोच रहे कहां जादू करने लगे। देखो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है हमारी मुट्ठी में क्या है? हमारी मुट्ठी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे दिल के पास कैमरा लगा दिया गया है। ये देखिए, मेरा दिल अटैच हो रहा है। मैं अगर किसी बड़े वाले कैमरे से कंपैरिजन करूं तो काफी ज्यादा छोटा है, एक स्मार्टफोन से भी कंपैरिजन करूं तो काफी ज्यादा छोटा है। लिटरली जो छोटी वाली बैटरी होती है उसके बराबर सा साइज है इसका। और क्योंकि इतना ज्यादा छोटा साइज है इसलिए आप इसको कहीं पे भी चिपका सकते हो, और बैक साइड से एक मैग्नेट से अटैच होता है। आपके दिमाग में भी यार जो मेरे दिमाग में आया, गले पे तो लटकाते रहेंगे। इसमें एक मैग्नेट है जिससे चिपक जाता है किसी मेटल सरफेस के ऊपर। एक बटन दबाया, डर तो लग रहा है भाई, कहीं घूम घूम के कहीं गिरेगा तो नहीं। हुआ चक्कर आ गया, फुल स्पीड में चला रही है, असली टेस्टिंग हो जाएगी। हुआ क्या ही फूट जाएगी भाई। ये वाला एक छोटे से कैमरे का छोटा सा केस, इसके अंदर आप ऐसे डालोगे, मस्त चिपक जाएगा। फिर उसके बाद आप कनेक्ट करके मोबाइल पे ऐप से आप डायरेक्ट देख सकते हो, सारी सेटिंग वेटिंग भी चेंज कर सकते हो। बट क्योंकि ये डायरेक्ट चिपक जाता है एकदम पास पास, पता भी नहीं चलता कैमरा लगा, हम अपना नजरिया अनबॉक्सिंग का आपको दिखाते, अपनी लाइफ शेयर करी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग कर ली जा बढ़िया से। फ्रिज खोलेंगे, वापस बंद कर देंगे, उसके बाद हर चीज नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों। इसके डब्बे में 3-4 माउंट अटैचमेंट दे रखे। ये वाला थोड़ा चिपकाने वाला है, इसको ऐसे निकालो, बैक साइड में चिपकू मटेरियल, और हम ले आए चिपकाने के लिए असली चीज। इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप में से कुछ लोगों को शायद ना पता हो, बट मैं एक्चुअली एक प्रोफेशनल स्केटबोर्डर ही था। यूट्यूब मैंने बाद में शुरू करा क्योंकि लाइक टांग वांग टूट गई थी। वर्ल्ड ओलंपिक 25 टाइम्स चैंपियन, 25 टाइम्स चैंपियन। नो व्लॉगिंग दोस्तों हमारे खून में बसी है। व्हाट इज अप गाइस, अभी छोटे वाले कैमरे से बढ़िया रिकॉर्डिंग करी जा रही है, दुनिया की सैर करा दीजिए आप लोग। 1 2 स्केटबोर्ड पे भी हमने लगाया, हमने पैरों पे भी लगा के अलग व्यू पॉइंट दिखा दिया। Oh
छोटे कैमरे के साथ बड़ी बड़ी ट्रिक करी जाएंगी। हमारे पास एक नोटबुक है, इस नोटबुक पे इसके स्टैंड को चिपका देंगे, इसको लगा देंगे यहाँ पे, नोटबुक घुमाते रहो। मैग्नेट का एक काम बढ़िया रहता है, कहीं पे भी चिपक जाता है। हम काटेंगे दोस्तों डेट। अब समय आ गया दोस्तों आपको अपनी असली कलाकारी दिखाने का। इससे हम ड्रॉ करेंगे, आपको दिखेगा रियल टाइम ड्राइंग वाला व्यू, पेन का पर्सपेक्टिव दिख जाएगा भाई। दोस्तों इसमें रिकॉर्डिंग कर ली, बट उसके बाद फाइल भी ट्रांसफर करनी रहती है हमको, उसको करने में आधा घंटे के ऊपर। मतलब अगर मेरे को इससे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है तो पहले मैं मोबाइल में ट्रांसफर करूं, फिर उसके बाद मोबाइल से एक्सपोर्ट करूं, फिर मोबाइल से कॉपी करूं। हमारी तशरीफ में पेन होने लगा है फ्रेंड्स। दोस्तों क्रिएटिविटी की बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी हमने, स्क्रू ड्राइवर के ऊपर भी अटैच कर दिया है। सबसे पहले तो इसके अंदर अगर आपको भूख लगी है डायरेक्टिव डाल के निकाल सकते हो। कहीं पे भी कभी भी स्टैंड बनाने का मन कर जाए तो इसके बाहर भी चिपका सकते हो। कभी अगर आपका नहाने का मन कर जाए हमने इस छोटे से कैमरे में काफी सारे मोड्स ट्राई करे। इसका सेटअप काफी ज्यादा सिंपल रहता है, इसमें आप डाल के इसको यूज कर सकते हो, इसकी ऐप होती है उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन फटाफट एक ही बार में हो जाता है, बट फाइल ट्रांसफर काफी ज्यादा स्लो है क्योंकि सारा वाईफाई से हो रहा है। और कैमरे की क्वालिटी में मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1440p है और आप प्रो वीडियो, उसके बाद स्लो मोशन, सारी चीजें कर सकते हो। और एक चीज मेरे को और इंटरेस्टिंग लगी, अगर जैसे मैं सेम फुटेज को 16:9 से मैं 9:16 में करता हूँ तो ये डायरेक्टली ऊपर और नीचे वाला फ्रेमिंग खोल देता है। जैसे मैं 16:9 में करूंगा ना तो ये पूरी वायर कट रखी है, बट अगर 16:9 करूंगा तो इसकी वायर के नीचे भी बहुत ज्यादा कंटेंट आ रहा है। और ये सेम चीज मैं 1:1 में ही कर सकता हूं क्योंकि पूरे सेंसर की स्क्वायर रिकॉर्डिंग करता है। और उसके वजह से एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर मैं रिकॉर्ड करते टाइम इसको रोटेट भी करूं तब भी जो वीडियो है वो आपको सीधी सीधी ही दिखेगी। और ये बहुत ज्यादा वियर्ड होता है क्योंकि स्क्वायर में वो एजेस कट कट करके आपको दिखा देता है सीधा सीधा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट लगा मुझे। और हमारे काफी ज्यादा काम है, थोड़ी बहुत चीजें जैसे फिक्स हो जाए, जैसे फाइल ट्रांसफर है वो एक काफी बड़ी चीज है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि भाई काफी बड़ी बड़ी फाइलें बन जाती है 10-10 GB की, उनको ट्रांसफर करने में दिक्कत भी आती है। ये सारी चीजें अगर फिक्स हो जाए तो मेरे ख्याल से और बेटर हो सकता है। और क्वालिटी भी जो आती है इसमें वो सही होती है, बट लाइक बहुत ही तगड़ी क्वालिटी मैं उसको नहीं बोल सकता। GoPro से अगर मैं कंपेयर करूं तो GoPro का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सिंपल है, बट इसमें अगर आपको मोड चेंज करना है कुछ भी करना है तो मोबाइल से सारा करना पड़ता है। बट ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग गैजेट जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इसकी प्राइसिंग अराउंड 20-25 हज़ार होनी चाहिए, देखते हैं कैसा रहता है। और ऐसा वीडियो के लिए अगर आप पिछले लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और हम आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय। अरे बड़ा मुश्किल है कैसे चला लेता है बंदे